बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो इमेज मेन्यू है उसको कैसे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि मैं तमाम कोर्सेज इस चैनल पर अवेल करने जा रही हूँ जो कि इदारे 30 to 40,000 में अवेल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू पेज ओपन करेंगे। न्यू पेज ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ अमाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इसको नोट कीजिएगा, इसके विड्थ, इसकी हाइट को नोट कीजिएगा और रेजोल्यूशन को ओके कर देंगे तो पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इमेज जो है उसको मेन्यू हम ओपन करेंगे, इमेज का मेन्यू। तो इमेज के मेन्यू में जाके हम इमेज साइज अपना देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले इमेज साइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें विड्थ एंड हाइट पिक्सल में भी अवेलेबल है और जो डॉक्यूमेंट साइज है वो इंचेस में भी अवेलेबल है। अब इमेज साइज आपने ओपन किया तो यहाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज हमारे पास पिक्सल में और इंचेस में अवेलेबल है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे इसका इसकी विड्थ एंड हाइट, तो अब पिक्सल वाली भी इंक्रीज होगी, हमारा साइज भी अगेन से चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको चेंज कर देते हैं एंड जस्ट आपने देन ओके कर देना तो आपका आपके मुताबिक जो है वो साइज अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए हमारे ये साइज अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन इसको मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, अंडो कर देती हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कैनवास साइज। कैनवास साइज ओपन करें तो हमारे पास ये कुछ डिटेल आ जाती हैं जिसमें करंट साइज अवेलेबल होता है और न्यू साइज अवेलेबल होता है और नीचे एंकर दिया हुआ है, इसमें से हम अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें किस साइज से किस कितनी साइज चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम कोई पिक ओपन कर लेते हैं, यहाँ से पिक ओपन करेंगे फिर उस पर हम अप्लाई करेंगे, ये ले लेते हैं। सही, ठीक है, ये हमारी पिक ओपन हो चुकी है। इस पर हम अप्लाई करते हैं कि कैनवास साइज क्या है और इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। सो ओपन इट एंड यहाँ से अब हम इसको इसकी डिटेल मजीद इसको हम सिलेक्ट करके देखेंगे कि हम इसका साइज चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। ये अब न्यू साइज है, पहले हमारा साइज करंट साइज इमेज का अवेलेबल है और अब ये न्यू साइज है, यहाँ से हम साइजेस को चेंज कर सकते हैं। इंचेस में अवेलेबल है, आप किसी में भी कर सकते हैं, पिक्सल में चाहिए किस में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है उसको चेंज करके देखते हैं, फ्रेंड्स यहाँ से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया विड्थ इसकी कि किस साइड से विड्थ आपको इंक्रीज करनी है या किस साइड से विड्थ जो है इसकी डिक्रीज करनी है, या हाइट का कोई इशू है तो हाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं या फिर कॉर्नर से। देन यहाँ हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा लो कर देते हैं एंड देन प्रोसीड। तो ये देखिए इसकी विड्थ कम्प्लीटली इसकी विड्थ कम हो चुकी है। अब कंट्रोल मैंने जी कर दिया, अंडू कर दिया। अब कैनवास साइज में अगेन हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से इसकी हाइट को जो है सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम कम करके देखते हैं कि हाइट अगर कम करें तो क्या होता है। प्रोसीड एंड देन ये देखिए इसकी हाइट कम हो चुकी है, इतनी हाइट होगी पेज की और इतनी हमारा इमेज साइज होगा। कंट्रोल जी जैसे कि आपने पहले जाना था कि अंडो का ऑप्शन है कि हम अंडो करते हैं इसे। अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि कहीं गायब हो जाती है तो अगेन ओपन कर लिया करें या फिर अंडो कर दिया करें कंट्रोल जी करके, या फिर अगर ऐसे भी नहीं होता तो कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो हो जाएगा। कैनवास साइज अगेन ओपन करें एंड अब यहाँ से हम थोड़ी बहुत ही और अमेंडमेंट करके देखते हैं। ये देखिए अब ये कम्प्लीटली है, हम इसको कम्प्लीटली वो करके देखते हैं कि हर तरफ जिससे जो साइज है वो इक्वली अवेल हो। यहाँ पहले 4 इसको करके देते हैं, ये देखें
फोर हमने किया तो 4x4 हो गया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट है रोटेट कैनवास, यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं और इसकी रोटेशन जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ये मोड है, मोड में ये सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कलर क्या होना चाहिए आपके पिक का, तो हम ग्रे वाला कर देते हैं, तो ये ग्रे हो जाएगा। जब आप इसको एक बार अप्लाई कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, अनलेस आप कंट्रोल जी करेंगे तो ये हो जाएगा। और जब आप ग्रे करेंगे तो ये सारे ऑप्शन अगेन आपको अवेल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप बिटमेट भी कर सकते हैं, बिटमेट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा, रेजोल्यूशन और मेथड आ जाएगा। इनपुट आपका इतना है, आउटपुट इतना है, और पिक्सेल या इंचेस में करना तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से हम इसको कर देते हैं, अभी थोड़ा लेस कर देते हैं, 50 कर देते हैं, देखते क्या होता है। डायमेंशन डाइटरीज को हम थ्रेशोल्ड कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें क्या चेंजेस आ गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है, हमने थ्रेश होल्ड किया है। तो यहाँ से आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं अपनी इमेजेस की। अगेन हम इसी को ओपन करते हैं बिटमैट को और थोड़ी और सेटिंग करके देख लेते हैं। यहाँ हम 100 कर देते हैं आउटपुट, यहाँ से भी पैटर्न कर देते हैं बाइथर। ओके, तो ये इस तरह से अवेल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अपनी ये इस तरह की आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है बिटमेट अगेन, सॉरी ग्रे। इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया ताकि हम मजीद इसमें एडिटिंग कर लें। और ये देखिए मजीद आगे है कि कलर वगैरह दिए गए हैं। ड्यू टून ऑप्शन को ये ओपन करेंगे तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यू टून ऑप्शन मतलब हम एक टून के अलावा कोई और भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ब्लैक भी था, रेड भी हो गया, अब कुछ और भी हो गया, मतलब मल्टी कलर हम यहाँ कर सकते हैं। तो हम इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक करते हैं, फिर साथ साथ मजीद हम अप्लाई करते जाएंगे। ओके कर दें, अब नेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम और कलर कर देंगे। अच्छा, ड्यू टोन यहाँ पहले आपने सिलेक्ट करना है, मोनोटोन होगा तो मोनोटोन ही आपको हो सकेगा, लेकिन ट्राई टोन यहाँ आपको खुद सिलेक्ट करना है पड़ेगा टाइप्स, कि आपको कौन सी टाइप करनी है, कितनी टाइप करनी है, कितनी कलर्स करनी है। सो यहाँ से हम तमाम कलर्स, मैंने ट्राई टोन किया तो मैं 3 या 4 कलर इसके कर सकती हूँ। अब इनको नेमिंग दे देनी है और फिर जस्ट आपने क्या कर देना, ओके कर देना। तो ये देखिए हमारे कितने सारे कलर इस पर अप्लाई हो चुके हैं, कंट्रोल जी अंडो कर दिया है। अब नेक्स्ट ये कलर्स हैं, कलर्स आरजीबी भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो गोल्डन टाइप को कुछ कलर चाहिए तो। और हमने जो अप्लाई किया था, मैंने आपको कहा था, वो नोट कर लीजिए कि हमने जब इमेज साइज बना रहे थे तो हम CMYK हमने सेलेक्ट किया था, तो ये ही बेस्ट है। नेक्स्ट है लैब कलर, मल्टी कलर को देख लेती हूँ यहाँ, मल्टी कलर्स हो जाते हैं, मतलब कि तमाम किस्म के जो कलर्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। मल्टी चैनल मीन के हमें RGB भी चाहिए, CMYK भी चाहिए, और इस तरह से बाकी जो कलर्स हैं अवेलेबल होते हैं वो भी चाहिए, ये होते हैं मल्टी चैनल।